के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर अब उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर डीजे को लेकर दो समुदायों में बवाल की स्थिति आ गई। मेरठ के खैर नगर में हुआ है बड़ा बवाल। शोभा यात्रा में डीजे बजाने को लेकर यह बवाल हुआ। मारपीट पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हो गए। अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन पर यह शोभा यात्रा निकाली गई थी और उसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, कई लोग इसमें जख्मी भी हो गए। अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन पर यह शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम हो रहा था। शोभा यात्रा में लोग शामिल थे। मेरठ के खैर नगर में ये बड़ा बवाल हो गया और सिर्फ डीजे बजाने की बात को लेकर ये बवाल हुआ और बहुत ज्यादा बवाल बढ़ता चला गया। शोभा यात्रा थी और उसमें जो डोला था वो ब्रह्मपुरी से शोभा यात्रा निकली लोधी समाज की, हिंदू समाज में जो, तो वहाँ से ब्रह्मपुरी से लेके उसकी अनुमति वगैरह भी उन लोगों ने कराई थी प्रशासन से, और वो समापन जो था बच्चा पार्क पे था। और इस बीच में खैरनगर के अंदर से जब आ रहे थे लोग तो किसी तरीके से वहाँ डीजे बंद हुआ या क्या दिक्कत परेशानी वहाँ पर रही जिसकी वजह से कोई विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से विधर्मियों ने वहाँ पथराव किया या किस तरीके से झगड़ा हुआ। तो ये जो सूचनाएं जिस तरीके की आई हैं उसमें मुझे लगता है शायद दोनों तरफ से ही जो है घायल हैं। और इसके अंदर मेरा कहना तो यह है कि पुलिस जब वहाँ से यात्रा निकल रही थी तो पुलिस कहाँ थी जिस समय घटना हुई है? विषय यह है कि उस जिस समय घटना हुई है जिस जगह हुई है वहाँ जब पता है संवेदनशील क्षेत्र है वो, तो वहाँ पे जो है पुलिस को तो मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था ऐसे क्षेत्र में। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले थाना दिल्ली गेट खैरनगर में दो पक्षों में एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। अभी शांति व्यवस्था कायम है, यहाँ पे कोई भी हताहत की चोट किसी को नहीं लगी हुई, और अब जैसे देख सकते हैं शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है और इसमें जांच की जा रही है किस चीज़ को लेकर विवाद था। जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में हुए इस बवाल को लेकर पुलिस कह रही है जांच कर रहे हैं, जो भी घटना है और जो भी इसका सच है जल्द ही सामने आ जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर।